वेलकम टू रावत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट SST। टुडेज टॉपिक इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज द higher office barrier of the country. It means जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है भारत का. It acts act as the head of the nation. वह एक राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में काम करता है. The power of the president can be divided into two parts. जो राष्ट्रपति होता है उसकी शक्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज जनरल पावर, सेकंड इज क्राइसिस एंड इमरजेंसी पावर. फर्स्ट जनरल पावर. फॉलोइंग आर द जनरल पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर, इट मींस कार्यपालिका शक्ति. बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्स फोर्स. यानी कि भारत के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है. ही हैज राइट टू डिक्लेयर ऑफ पीस ऑफ एनी टाइम. ये जो देश में शांति बनाए रखने के लिए इसी जिम्मेदार होता है. एज राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, और जो इसके अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति के अधिकार हैं उसमें द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर्स गवर्नर एम्बेसेडर्स जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस. यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो मंत्रियों को राज्यपालों को राष्ट्रदूतों को और स्टेट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथ ही साथ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के जितने भी मेंबर हैं उनको अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन कॉर्पोरल एंड अटॉर्नी जनरल्स चेयरमैन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल कमीशंस. इन सबको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है. इसके बाद जो दूसरी पावर है राष्ट्रपति की, सामान्य शक्तियों में जो दूसरी पावर है उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव पावर. द नेशनल फेडरल लेजिस्लेटिव इज फॉर्म्ड बाय बोथ द हाउसेज. इट मीन्स पार्लियामेंट के जो संसद के दोनों सदन हैं उनके साथ. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज द फॉलोज. ही वर्क टू समन पोस्टपोन एंड प्रोग्रेट बोथ ऑफ द हाउसेज. मतलब जो इसके जो हाउसेज है उनको पोस्टपोन करने उनको बुलाने का सारा काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा. लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्रेसिडेंट के पास होती है. ही कैन कन्वर्स इज जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑन द डिस्प्यूट. अगर दोनों सदनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट विवाद होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज की कॉमन मीटिंग बुलाता है. नेक्स्ट द नॉमिनीज 2 मेंबर इन द लोकसभा एंड 12 मेंबर इन द राज्यसभा. जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है. थर्ड पावर इज जुडिशियल पावर. अंडर सेक्शन 72 द President has the power of reducing the
sentence of the condemned person, suspending sentence, waiving of the death sentence. It means जो न्याय से संबंधित शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 72 में जिसका उल्लेख है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसे कम करने का कम भी कर सकता है और उसके मृत्यु दंड को बदल भी सकता है. द फोर्थ पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनेंशियल पावर. पेरियर ऑफ द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सप्लीमेंट्री बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद ही संसद में जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है. नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की बिना आज्ञा के किसी भी तरीके का धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. ही डिस्ट्रीब्यूट द रिसिप्ट ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर्स. यानी कि जो इनकम टैक्स आय कर को जो बांटने का काम है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है राज्य और केंद्र सरकार में. इन एमरजेंसी द टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग मनी इज कॉन्टेसी फंड इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. ही हैज द राइट टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन. यानी कि राष्ट्रपति को वित्त आयोग को गठित करने की भी शक्ति होती है. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न द जनरल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, सेकेंड इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड इज जुडिशियल पावर एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल पावर. थैंक यू.